नियुक्त आह्वान पर स्क्रीम वर्करों की देशव्यापी आम हड़ताल 17 जनवरी एवं जेल भरो सत्याग्रह 29 जनवरी को सफल बनाने को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किए। मजदूरों का जो नीति जो उसके हित में नहीं है, विरोध में है, उसको हम लोग कह रहे हैं कि मजदूर हित में श्रम कानून को लागू किया जाना चाहिए और ये जो हायर एंड फायर जो नीति है उसको वापस कीजिए। दूसरा बात यह है कि जो हमारे भूमिहीन अधिकांश असंगठित क्षेत्र में खेत मजदूर भूमिहीन है, उनकी बास की समस्या है, उनके पास के लिए 10 डिसमिल जमीन की मांग हमारा है। जो उनको 10 डिसमिल जमीन मुहैया करा करके उनकी पास की व्यवस्था किया जाए। नाम बताइए। मेरा नाम नागेंद्र राम हुआ, मैं एआईटीसी के जिला के महासचिव। सदर अस्पताल आरा में आशा और ममता के कार्यकर्ताओं ने जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष 33 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किए। स्क्रीम वर्कर की आज हड़ताल है, ये हम मांग करते हैं सरकार से कि स्कीम वर्कर को सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाए। स्कीम वर्कर आशा ममता कुरियर जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं और इसके बाहर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिड डे मील वर्कर तमाम स्कीम वर्कर इस श्रेणी में आते हैं। हम मांग करते हैं सरकार से कि इनको सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा 45वें श्रम सम्मेलन का अनुशंसा के आलोक में इनको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 18,000 रुपया का भुगतान किया जाए। इसके अलावा इनको न्यूनतम पेंशन योजना जो मिनिमम 3,000 रुपया उसे इनको जोड़ा जाए और सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जो गरीबों के लिए उस योजनाओं से इन स्कीम वर्कर जो गरीब परिवारों से आते हैं, जो मेहनत कश आवाम से आते हैं, आवाम के परिवार से आते हैं, उसको इन कल्याणकारी योजनाओं से इनको जोड़ा जाए। पहले भी आप प्रदर्शन कर रहे थे जी, पहले भी हम लोगों ने 17 तारीख को हड़ताल करके अपनी बात को सरकार के समक्ष रखने का काम किया। आज पुनः हम लोग 29 तारीख को जो है सरकार के समक्ष अपनी बात को रखने का काम प्रदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली आशा ममता कुरियर जो 28 तारीख से 2 तारीख तक जो पल्स पोलियो चल रहा है कार्यक्रम, उस पल्स पोलियो कार्यक्रम का बड़े भारी मन से दुख के साथ ये उस कार्य का बहिष्कार कर रही है। कहाँ कहाँ से महिला लोग जुटी हैं यहाँ से आप? ये पूरे भोजपुर जिले की महिला हैं और ये कार्यक्रम आज पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर हो रहा है। इसके बाद बिहार सरकार आपकी बात नहीं मानती है, तांगे कृति क्या रहेगी आपकी? ये हमारी लड़ाई सिर्फ बिहार सरकार से नहीं है, ये हमारी लड़ाई बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से भी है। हम मांग करते हैं कि दोनों सरकार
स्कीम वर्करों को सरकारी सेवक घोषित करने का, सरकारी सेवक बनाने का रास्ता साफ करे। नहीं, ये हमारी लड़ाई है। यदि हमारी हमारी बात को नहीं मानी जाएगी, आगे आने वाले दिनों में हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर के संसद तक ले जाएंगे। नाम बता दें। मेरा नाम सुभेश सिंह, मैं जिला सचिव बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ।